हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं जो कभी हमें विचलित करती हैं, कभी हमें प्रेरणा देती हैं। और एक सही रास्ता अगर अपनाना है तो इन प्रेरक घटनाओं के प्रति या घटनाओं के प्रेरक स्वरूप के प्रति हमको ज़्यादा सजग होना चाहिए। और जब भी ऐसा होता है हम कई बार उसमें भी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि दिव्यता के पथ पर चलने का प्रयास जिन लोगों में है उनके पीछे विरोधी शक्तियों का आक्रमण होता है। कई बार हम आत्मविश्वास में भी इतने ज़्यादा उत्प्रेरित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा विश्वास हम पे हो जाता है कि हम ईश्वरीय सत्ता के प्रति सजग नहीं रह पाते और उसमें हमसे छोटी छोटी भूलें हो जाती हैं। कई बार हम ऊपर भी जाना चाहते हैं लेकिन नीचे से अपने कदम उठाने में डरते हैं या हमें ध्यान ही नहीं रहता कि एक सीढ़ी चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना है। ऐसी एक छोटी सी कहानी है जो हमें प्रेरणा देती है और वो ये है कि 3-4 युवक थे, घूमते घूमते नदी के तट पर पहुंचे। रात का समय हो गया था। मछुआरे ने कहा कि भाई अब बहुत रात हो गई है, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा ठीक है तुम मत जाओ हमारे साथ, क्या तुम अपनी नाव दे दोगे, हम तुम्हें पूरा भाड़ा देंगे, नाव दे दो, हमें नाव खेना आता है। उसने कहा पक्का आप लोग चला पाएंगे? उसने कहा हाँ। तीनों चारों युवक बड़े खुश हुए कि चलो आज नौका विहार करेंगे। रात्रि के समय चांदनी रात में बड़े प्रसन्न थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि वो चला लेंगे। मछुआरा उन्हें अपनी नाव सौंप के चला गया। इन्होंने सारा अपना दिमाग लगाया, आराम से तैयारी की, बैठ गए और नाव को खेने की कोशिश की, धक्का भी लगाया, बहुत कोशिश की, दिमाग लगाया, बल लगाया, सब कुछ किया, लेकिन नाव थी कि जो हिल के रह जाती थी, आगे बढ़ती नहीं। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और अंत में इतना थक गए कि इन्होंने सब छोड़ के कहा चलो इधर उधर भटकने से अच्छा इस नाव में ही सो जाते हैं, सुबह आएगा तो उसकी नाव को हम सौंप देंगे। सवेरा हुआ, मछुआरा रोज की भांति चलाया, देखा सारे युवक तो उसकी नाव में ही सो रहे हैं। उसने इन्हें जगाया, कहा क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों सो रहे हैं, क्या रात में आप गए थे नाव खेली थी? उन्होंने कहा पता नहीं तुम्हारी नाव में क्या गड़बड़ी है, हमने तो सारी कोशिश की, हमने पहले भी नाव चलाई है। उसने कहा अच्छा। उसने अपनी नाव की जाँच की और वो हंस दिया जोर से। उसने कहा आपने सब कुछ तो किया लेकिन मेरी नाव जो थी टूटे से बंधी थी, उसका तो आपने कुछ किया नहीं, जब तक खूंटे से नहीं उसको मुक्त करोगे नाव कैसे चलेगी। और वो अपनी इस मूर्खता पर केवल झेप कर रही है। अक्सर ऐसा ही होता है, हम सांसारिकता के कुछ खूंटों से अपने को नहीं छुड़ा पाते हैं, सारे प्रयास करते हैं आध्यात्मिकता के पथ पर जाना चाहते हैं लेकिन कुछ संस्कार, कुछ बंधन, कुछ मोह हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें उनसे अपने आप को खोल देने की, मुक्त हो जाने की, और तब अगर हम ईश्वरीय पथ पर चलते हैं तो हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती।